हाय, माय नेम इज मुकेश और आप देख रहे हो सीओ टू ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट चैनल्स। और इसमें आज जो टॉपिक्स है बहुत ही हॉट टॉपिक्स है और ये है ऑप्शन ट्रेडिंग्स के अंदर बियर पुट स्प्रेड्स के बारे में। ये जो बियर पुट स्प्रेड्स टेक्निक है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग टेक्निक्स है और इसमें अगर आपके पास छोटा सा अमाउंट है, मीन्स 30,000 के नियर अबाउट है, तो आप इस स्प्रेड्स के साथ काम कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी आप इंट्राडे में काम करते हो और इंट्राडे में ज्यादातर क्या होता है कि अगर आपको एक ट्रेड लाइंस अगर आपके मूवमेंट्स पकड़ में आ गया तो आपके अच्छे खासे पैसे बनते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब मूवमेंट्स आप पकड़ने जाते हो तो वहां पे बहुत बड़ा इश्यूज ये बनते हैं कि एक डर सा लगा रहता है, फियर फैक्टर्स काम करते हैं कि कहाँ पे मैं एंट्री लूँ या ना लूँ, क्या होना चाहिए। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन मीन्स वंस यू एंटर इनटू द ट्रेड। नाउ अगर आप ये स्ट्रेटजी के साथ काम करते हो तो एक फियर्स फैक्टर्स काम नहीं होता है और वहां पे स्ट्रेटजी वर्क करते हैं तो आप स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हो तो आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज मिलता है प्रॉफिटेबल्स बनने के लिए। डर के नाम कोई चीज नहीं होता। अगर डर से आगे अगर काम करना है तो स्ट्रेटजी बेस ही काम करना पड़ेगा, राइट? तो ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटस के लिए और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बहुत बड़ा टूल्स है, बहुत अच्छा टूल्स है। चलिए, सबसे बड़ी बात, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग्स विद बियर पुट स्प्रेड के साथ आप कुछ सीखना चाह रहे हो, काम करना चाह रहे हो, स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना चाह रहे हो, प्रॉफिटेबल बनना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक और है, जब आप बियर पुट स्प्रेड का जब हम बात कर रहे होते हैं आपको कुछ पे ऑफ चार्ट जो कुछ इस तरह का दिखेगा, इसमें दो लेग्स यूज होते हैं। अगर आप कॉल के साइड में जा रहे हो तो कॉल को ही बाय करना है, कॉल को ही सेल करना होता है। अगर बी पुट के साइड में जा रहे हो तो उसमें सी साइड्स का पी साइड्स का हम बाय करते हैं और पी साइड्स का ही हम सेल करते हैं। ये चीजें हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कैसे करना है। मींस कॉल के साइड्स में अगर बुल साइड में जाओगे तो सी का हम बाय सी का ही सेल करेंगे और अगर बियर साइड में जाएंगे तो पी का ही बाय करेंगे और पी का ही हम सेल करेंगे, राइट? चलिए अब सीधा मैं चार्ट्स पे लेके चलता हूँ वहां पे हम कैसे इस पे काम करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा ये ओवरव्यू जरूर मैं देना चाहूंगा। जैसे कि हमारे पास इंडेक्सेस हैं, 5-6 इंडेक्सेस होते हैं, मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स। ये जो हमारे 6 हैं ये हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी होता ही है। जैसे मंडे टू फ्राइडे आप जाओगे, मंडे में आपको मिड कैप निफ्टी एंड बैंक एक्स ये दो एक्सपायरी होते हैं। उसके बाद ट्यूजडे को फिन निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी वेडनेसडे को होता है, थर्सडे आपको निफ्टी होता है और फ्राइडे को क्या होता है, सेंसेक्स आपका आपके फ्राइडे को एक्सपायरी होता है। ये सारी चीजें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन चीजें देखोगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बैंक एक्स की बात करो, बैंक एक्स के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं प्लस फिन निफ्टी के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, बैंक निफ्टी के जो चार्ट पैटर्न, ये ऑलमोस्ट तीनों के सिमिलर होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, एक थोड़ा सा अगर फर्क पड़ता है तो फिन निफ्टी का होता है। जो बैंक निफ्टी और बैंक एक्स बोथ आर सेम्स, दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों का जो चार्ट पैटर्न्स होता है, दोनों की मूवमेंट होता है लगभग सेम होता है और फिन निफ्टी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप यहीं पे देखोगे तो फिर ये बैंक निफ्टी फिन निफ्टी है और यहाँ पे बैंक निफ्टी है, दोनों के मूवमेंट्स लगभग सेम है। बट अगर बैंक एक्स और बैंक निफ्टी का दोनों का लगभग सेम होता है, फिन निफ्टी थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखेगा। बट वहीं पे अगर निफ्टी की बात करूं, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के मूवमेंट लगभग सेम होते हैं और यहाँ पे निफ्टी ओवर आप अगर बोलोगे तो आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी एंड बैंक एक्स और फिर निफ्टी के सेम। ये लगातार अपर डायरेक्शन के तरफ पे दिखा रहा है, ये जो हमारा कैंडल है ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे आए, थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं इसका नियर अबाउट्स, एक मिनट ये चीजें गड़बड़ कैसे हो गई, मैं उसको जरा एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे वो गड़बड़ कैसे हो रहा, स्मूथ देखिए और प्लॉट मिडिल लाइंस, ठीक है, राइट? अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो आपको एक चीज देखेगा, ये जो मूवमेंट है यहाँ पे आने के बाद, ये हमारा जो RSI है वो नियर अबाउट्स ऊपर की तरफ ही दिख रहा है। बट RSI का जो ये मुंह है ना, माउथ, मैं इसको लास्ट में माउथ ही बोलता हूँ, ये माउथ का जो स्ट्रक्चर है वो नियर अबाउट थोड़ा सा
नीचे एक डाउन पिवट के तरफ में दिख रहा है, और ये बहुत ज्यादा एक सिग्नल सा थोड़ा सा दिख रहा है कि कहीं प्रेशर नीचे की तरफ ना चला जाए, राइट। अगर ऐसा जाता है तो हो सकता है मूवमेंट्स आपका नीचे की तरफ जाए, बट अभी ऐसा कुछ कहने से बचना चाहिए, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग्स में आप देखोगे ये वाला जो ट्रेडिंग्स यहाँ आने के बाद एक नया नीचे की तरफ आया और यहाँ से बहुत ज्यादा पुल बैक और जबरदस्त आया, तो इसमें आउट परफॉर्मेंस ही देखने को मिला है। और अगेन आई एम थिंकिंग इन द सेम वे, थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको निफ्टी और बैंक सेंसेक्स दोनों का जो परफॉर्मेंस है आउट परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक एक्स। अगर आप मिड कैप निफ्टी की बात करें ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे एक चीज है थोड़ा डराने वाला है। और अगर मैं कंपेयर करूँ आरएसआई की, तो आरएसआई नीचे से अभी क्या हो रहा है, ये 60 से फिर ऊपर के जाने की तरफ है, 70-68 के बाद फिर माउस जो इसका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है वो नीचे की तरफ। बट इस लाइन्स को यहाँ पे देखें तो आपको एक चीज दिखेगा कि यहाँ से ये वाला मूवमेंट्स अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ दिख रहा है, और दोनों के अगर कंपेयर करें तो लगभग बहुत अच्छा सिनेरियो दिख रहा है जो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही है। नाउ ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगे। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि अब निफ्टी में थोड़ा सा आने के बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। नाउ अगर मैं ब्रॉड पिक्चर करके देखूं और यहाँ पे एक लाइंस खींचू और एक डर्वेक्स बॉक्स की भी मैं बात करूं, तो आपको एक चीज समझ में आएगा। यहाँ पे डर्वेक्स बॉक्स मैं डाल रहा हूँ, दिस इज योर डर्वेक्स बॉक्स, और इस डर्वेक्स बॉक्स के साथ मैं अगर जाऊं तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट करने के बाद लगातार ये दो कैंडल्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में ही जा रहा है। नाउ अगर कल का मार्केट यहाँ से ना खुल के इस जगह से खुले और उसके बाद नेक्स्ट डे फ्राइडे का भी मार्केट नीचे की तरफ अगर खुले और वो भी थोड़ा सा गैप ज्यादा होके खुलेगा, तो देन वी कैन थिंक अबाउट दैट मार्केट का डायरेक्शन हैज बीन चेंज, बट ऐसा हमें कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है, राइट। तो बट अगर मुड़ते हैं तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, बेयर कॉल स्पेस की तरफ हमें जाना चाहिए और हमें वहां से अपनी पोजिशन भी बना लेना चाहिए। अब हम आते हैं कि बेयर पुट स्प्रेड्स, बेयर कॉल, बेयर पुट स्प्रेड्स में हम कैसे काम करते हैं। तो अब हम सब बियर्स की तरफ चलते हैं और यहाँ पे बियर्स पुट स्प्रेड्स का ये लाइन यहाँ है, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है वो हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे क्या है कि हमारा जो 24,350 रुपीस पी को हम बाय कर रहे हैं और 24,150 को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आए तो 24,000 निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी 24,630 पे है और यहाँ पे 24,630 पे नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन्स हमारा 11 जून को कल का ही एक्सपायरी और कल का ही हमें दोनों चीजें मुझे दिखा रहा है। बट अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिटेबल बनना है, हमें इसके लूप्स में नहीं आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैं निफ्टी की बात करूं और उसमें भी यस राइट, अभी मैं 18th जुलाई की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे अभी मैं 11th जुलाई में है निफ्टी में, राइट। नाउ 18th ऑफ जुलाई, तो 18th ऑफ जुलाई को एक्सपायर होने वाला है और यहाँ पे हमें चेंज करना है 18th ऑफ जुलाई का जो यहाँ पे हमारा एक्सपायरी हो रहा है। पहले तो इसको मैं रिफ्रेस कर लूं ताकि यहाँ पे इश्यूज क्लियर हो जाए। चलिए, बहुत इसमें दो लेग्स हम बनाएंगे जिसमें कि हमारा बियर कॉल्स, बियर पुट स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड मैंने आपको बता दिया। आज बियर पुट स्प्रेड की बात कर रहा हूँ। हमारा एक्सपायरी जुलाई में है को दिख रहा है और हमारा जो एक्सपायरी 18th का है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहली बात मैं यहाँ नहीं जाके 25th ऑफ जुलाई में जाएंगे और यहाँ पे अगर हम बियर साइज के बीच मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ में जाता तो हमें सबसे पहले नेक्स्ट गया और यहाँ पे इसको हमने बाय कर लिया। बाय करने के बाद अगर आप ये देखोगे बैंक जाते हैं तो हमें आप और बैंक जाते हैं
राइट 18th कल जो हमारा एक्सपायर हो रहा है, तो इसमें हमने क्या किया, 25th of July को बाय किया और इसको 18th of July क्योंकि कल एक्सपायरी यहाँ पे हमने सेल कर दिया, तो दैट मीन्स नीचे के डायरेक्शंस में हमने सेल किया है। अगर आप ऐसा बनाते हो तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं जस्ट एग्जांपल है, आपको कल ऐसा नहीं करना है। आपको मैंने बुल कॉल स्प्रेड्स के बारे में बात किया, वहाँ पे आपका कल के लिए लेना है, लेकिन ये जो मैं आज बना रहा हूँ ये आपको कल नहीं करना है, क्योंकि अगर जब तक ये आपको कब करना है, ये आपको रेडीनेस रहना है बुल कॉल स्प्रेड्स को कल बाई करना, जो हमने कल लास्ट वीडियो में बताया था। इस वीडियो में बेयर फुट स्प्रेड्स का तभी बता रहा हूँ अगर ये मार्केट यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है, अगर 2 दिन के बाद अगर इस तरह से डायरेक्शन दिखा रहा है तो आपके पास स्ट्रेटेजी रेडी है, आप उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हो और वहां पे करो। लेकिन कल टुमारो मीन्स 18th of July को ये बियर पुट स्प्रेड्स नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे बिगनर्स हो जाके सीधा उठा के कर दिए और आपको प्रॉफिट की जगह लॉस ही होगा, तो बेस्ट वे ये होगा डोंट डू दिस थिंग्स, यू डू बुल कॉल स्प्रेड नॉट बियर कॉल पुट स्प्रेड, राइट। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया हमें करना क्या है। नाउ अनदर थिंग इज, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अब पे आउट चार्ट को भी देखते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा काम कैसे कर रहा है। आपको ये दिखेगा, ये वाला चार्ट आपको दिस लुक लाइक दिस, एंड आप यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, बाय किया है, क्या बाय किया, 25th of July का बाय किया और इसका ATM मैंने बाय किया, ना ही हमने इन द मनी बाय किया, ना ही आउट ऑफ द मनी, ना ही ITM बाय किया, ना ही OTM बाय किया, बट हमने कौन सा बाय किया, ATMs को किया। अब नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सेल किसको किया, ये भी हमने सेल किया 18th of July का, और जो हमें प्रीमियम्स मिला है LTP जो भी हमारा यहाँ पे 104.3 का, इसको हमने सेल किया, करेक्ट। ये हमारा स्ट्रेटेजी बन के तैयार है। अगर आप चाहो तो जैसे ही मार्केट ओपन रहता है 9:15 पे आपको इसको लगा देना है, लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जस्ट यू हैव टू बी वेट अनदर कंप्लीट एंड ऑफ द डे, उसके बाद ही आपको समझ में आ गया हमें क्या प्रॉफिट का, राइट। चलिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको उसके हिसाब से काम करना है। अब रही बात कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि जब ये, अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्शंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तभी आपको जाना है। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ नीचे के डायरेक्शंस में, यहाँ पे आपको किस तरह से प्रॉफिट हो सकता था, उसमें नहीं जाऊंगा, यहाँ वाले में। ये 27th ऑफ मे को मैं आपके सामने लगा के दिखाता हूँ, 27th of May, ये मे में आ गए, 27th of May ये वाला है, राइट, 27th of May लिया है। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको डिलीट करते हैं ये वाले को, और हमारे पास 27th of May का आ गया। 27th of May के क्या है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो हमें 27th of May को नहीं हमें जाना है 6th of July का, और इसमें ये वाला चीज को हमने बाय किया है, और ये आता हूँ 30th June का, और 30th June का भी ये वाले को हमें सेल करना, राइट। अब सेल नहीं हुआ क्या, यस सेल हो गया। अब इसमें क्या है कि हम चल के देखते हैं 30th तक क्या हम प्रॉफिटेबल्स में हैं या नहीं। सबसे पहले एंड ऑफ द डे में जाएंगे तो मुझे दिख रहा है 820 का आपको आया हुआ है, नेक्स्ट डे में देखता हूँ तो 1760 हो गया। उसके नेक्स्ट डे चलते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, और फिर नेक्स्ट डे चल के देखते हैं कि हमें क्या हुआ है। इसमें हमें लॉस ही दिखा रहा है, लेकिन जब हमें यहाँ पे देखे तो क्या हुआ है, 30th ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा हुआ है, राइट। बट डायरेक्शन यस, इसमें हमें कुछ लॉस ही हुआ है। तो एक चीज तब यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब भी कभी इस तरह का चीजें हो तो क्या करना चाहिए। आप लास्ट डे में आओ तो आपको ये वाला जो, इससे एक और पहले आते हैं तो आपको वहां पे एडजस्टमेंट बताने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखो कि हमें क्या दिख रहा है, 150 दिख रहा है, राइट। ये हमें लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम इसके 30 मिनट्स में चल के देखते हैं तो हमें वहां से कुछ पिक्चर क्लियर आएगा। अभी क्या हो रहा है कि ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन की तरफ में जा रहा है, दैट मीन्स ये लगातार डाउनवर्ड की तरफ में जा रहा है। तो हमें क्या करना है, अब ये वाला चीज कितना, 199 पे आ गया, तो हमें यहाँ से थोड़ा सा अगर हम पहले जाएं तो ये दिख रहा है कि लगातार यहाँ से ऊपर की तरफ ही मूवमेंट्स दिख रहा है, दैट मीन्स
इसके अगेंस्ट में जा रहा है, बहुत ज्यादा अगेंस्ट में जाए तो हमें एडजस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या करेंगे, 126 या उससे नीचे को लेने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने डिलीट किया, अब हम यहाँ से पीछे जाते हैं, एडजस्टमेंट थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे 30 में हमें 81 क्या है ना होने के, हमें 41 मीन 70 है ना। तो अभी हम कहाँ पे 29 में, एक डे और, तो मैं क्या करूँगा इसमें, तब एक डे होगा तो 40 वो कहाँ हमें सेट करें थोड़ा सा, क्योंकि हमें इतना कम टाइम्स मिलना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डीके हो सके, राइट। इसके बाद मैं एंड ऑफ द डे में जाता हूँ तो आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है ना अगर जैसे ही बढ़ेगा तो वहाँ से हमें नहीं रुकना है, हमें थोड़ा सा उसको कम करना है ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको ग्रोथ तो इसमें एक साइड में बहुत दिखा रहा है, एडजस्टमेंट अगर लगातार समय बढ़ते हुए दिखेगा तो हमें उसमें कट करके फिर थोड़ा सा नीचे वाले में जाएंगे और वहां से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा, राइट। इस हिसाब से हम देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। अनदर वे, अगर मैं दूसरे तरीके से देखूँ तो हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखें, क्योंकि हमने वो किया है 27 में पहले हम चलते हैं डे 27 में और इसको हम डिलीट करते हैं, राइट। फिर से मैं दिखा देता हूँ वहां पे ताकि आपको कुछ 6 जून में जाएंगे, इसका हम क्या करेंगे बाय करेंगे और 30th मई में आएंगे और इसमें 126 है तो इसको हम यहाँ पे नहीं लेके थोड़ा सा अगर यहाँ पे लें, क्योंकि अगर हम दोनों चीज़ों को देखें कि यहाँ से हमारा क्या हो सकता है तो आपको प्रॉफिटेबल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हमको फिर से भी डीके जब होगा हम फिर डीके उसको शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। अगर हम डी लास्ट मिनट करें तो आप ये देखोगे कि हमारा प्रॉफिटेबल्स बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं, राइट। 200 ये बन गया, अब यहाँ पे 270 दिख रहा है। अब यहाँ से मुझे क्या हो रहा है, 90 से 98 हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें क्या करना है थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आते हैं। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको ब्लैकलिस्ट में डाउन कट करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाके अब यहाँ पे 70 नहीं, इस 14 को हमने सेव कर दिया, राइट। तो अब क्या होगा, ये स्टॉप हो गया और ये लाइन हमारा चलेगा। तो हम चल के देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। 28 से 29 में जाएंगे तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट्स हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है ना कि ये वाला जो हमने 49 वाला लिया था वो भी आपको बहुत ज़्यादा 49 से चल के फिर 92 तक पहुँच गया, राइट। अब जैसे ही यहाँ आगे बढ़ेगा मैं क्या करूँगा, फिर से इसको मैं स्टॉप करूँगा, करेक्ट। अब एक नया एडजस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट, राइट। फिर अब यहाँ पे आएंगे और मैं 70 का नहीं, इसके बाद क्योंकि 1 day से बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको 38 का इसको मैं सेल करूँगा। तो दिस इज 3 times एडजस्टमेंट हैज़ टू बी हैपन और ये हो सकता है, आपको एडजस्टमेंट भी थोड़ा सा करना पड़ेगा अगर ये लगातार वैसा होता है तो। नाउ 29 के बाद मैं 30 में सीधा चलता हूँ और आप ये देखोगे कि ये हमें अगेन 1795 नियर अबाउट 38 से सीधा 110 पे चला गया, राइट। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये हमें ऊपर की तरफ ही दिखा रहा है, नीचे की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है बट ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ जो सिनेरियो बन रहा है वो लगातार अब डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ में है। तो हमें ये वाला सिनेरियो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड्स होता है तो हमें ये इशूज बनते हैं। दूसरा, जब आपको लगे कि ये नीचे की तरफ में लगातार से ये बढ़ने वाला है तो आप एक और चीज़ ये कर सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम सीधा 27 पे लेके चलते हैं और तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 38 को लेना है, 6 जून को हमने 30 मई को लिया, 6 जून को हमने गया यहाँ पे और यहाँ पे बाय कर, और यहाँ पे 30 पे हमको आके 1 को हमने सेट कर दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, पीछे जाए, अभी हमारा इसमें कितना, इतने का हमारा फंड लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डबल कर दूँगा क्योंकि मुझे इतना समझ में है ये नीचे के तरफ में ही जाने वाला है। तो दैट मीन्स ये समझ में आ गया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपके पास फंड है तो आपको मैं कहूँगा कि एक और लेके रख लें,
तीन लॉट से हम यहाँ पे काम करेंगे, एक लॉट को हम सेल करेंगे क्योंकि नीचे की तरफ ज्यादा जाएंगे। अब यहाँ पे एंड ऑफ द डे करोगे, पहले इसको यह लेते हैं, पहले फिर से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपको सिक्सून को अब बस समझना है, क्योंकि एडजस्टमेंट जहाँ जरूरत पड़ेगा हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। अब हम सीधा 38 पे जाते हैं और इसका इसको हम बाय कर रहे हैं और ये वाला चीज को हम सेल कर रहे हैं 27 को, राइट। चलिए अब यहाँ पे जब हमें बहुत 15,000 में हमारा बन रहा है तो हमें तीन लॉट्स को ले लेते हैं, और तीन लॉट लेने के बाद आपको दिखेगा कि अगर ये 126 से ज्यादा 140, 50 और 60 जाता है तो हम फिर से यहाँ पे एडजस्टमेंट करें, राइट। चलिए इसका एंड ऑफ द डे जाते हैं तो हमें 2,632 का प्रॉफिट हो रहा है, बट इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हमें नहीं दिख रहा है, बट ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही दिख रहा है। फिर भी मैं इसको क्या करूंगा, 2 आवर्स को आगे बढ़ूंगा तो आपको ये दिखेगा वन इतना है, इस ढंग का प्रॉफिट ही हमें दिखा रहा है। अब इसका इंड में चला जाता हूँ तो हमें क्या दिख रहा है कि ये 150 तक चला गया, राइट, और ये हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। तो अब ये वाला चीज देखते हैं 150 जा रहा है तो फिर मैं इसको डाउनलोड करूंगा, इसको मैं लेके आऊंगा कहाँ तक, 48 तक। मुझे दिख रहा है कि ये लगातार हमें मुश्किल में डालने वाला है तो हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप किया और यहाँ पे 48-49 का नियर अबाउट जो भी होगा उसको हम सेल करेंगे। तो एक एडजस्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं 29 में, ये नियर अबाउट 12,000 का हो चुका है, यहाँ पे 1,082 का हमें ये हुआ और यहाँ पे 49 से 92 पे आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, फिर से एक दिन का बचाया हुआ है, ज़्यादा नहीं बहुत कम कर लेंगे, फिर से इसको हम स्टॉप करते हैं और एक लेग और बढ़ा लेते हैं, वो चलेगा हमारा लेग 52 नहीं 27-38 का रखेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं वो हमें थोड़ा ज़्यादा ही परेशान करने को तैयार है, तो मैं यहाँ पे या तो आप छोड़ सकते हो या जाने, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो और फिर एक और देख लेते हैं लास्ट 29 और ये 30 में आ रहे हैं और ये हमारा प्रॉफिट बढ़ के 19,000 हो चुका है। हमें दो लॉट्स पे हमने काम किया तो ऑलमोस्ट आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा हमारे पास फंड है तो हम अगर हमने बढ़ाया तो यहाँ से आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। नाउ ये स्ट्रेटेजी हमारा बहुत अच्छा काम करता है और इसी पे हमको काम करना है, बट मैं ये आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कल आपको बियर पुट स्प्रेड में नहीं लगाना है, मत करना, आपको बुल कॉल स्प्रेड में मैंने जो मेरा लास्ट वीडियो उसको देखे करना है, आपको तभी सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नाउ अब जो क्या है, बियर पुट स्प्रेड्स मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं और इसमें जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है, जो भी कुछ आपको डाउट्स हैं, आप डाउट्स को अपने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लिख सकते हो। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा जब डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी हेल्प यू आउट। नाउ इफ यू वांट टू जनरेट द प्रॉफिट रेगुलर बेसिस एंड 5,000 से 1 लाख, 10,000 से 2 लाख एंड 1 लाख टू 25 लाख एंड द 5 मंथ्स, राइट, एंड फिल द गूगल फॉर्म्स गिवन द लिंक बिलो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम्स। अनदर थिंग इज गोइंग टू बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं, ये सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी ऑनलाइन हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है और हो रहा है। मैं आप लोगों से बस बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये ऑफर दे रहा हूँ कि हमारा 21 जुलाई को 2 बजे से 4 बजे तक हमारा मास्टर क्लास स्टार्ट होने वाला है, और इस मास्टर क्लास में जो भी लोग ज्वाइनगे हैं उनको ऑफर भी मिलने वाला है बहुत बड़ा। और ये जो हमारा स्ट्रेटेजी है बहुत जबरदस्त तरीके का स्ट्रेटेजी और न्यू स्ट्रेटेजी, ये इस तरह का स्ट्रेटेजी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो इसकी प्रॉफिटेबल्स बनने की गारंटी हमारा पक्की है। और आप लोग आए ज्वाइन करें और बहुत बेस्ट तरीका ये होगा कि इसमें फीस भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल्स है और जितना नॉमिनल्स है जितना सीखने को आपको मिलेगा वो चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है, राइट। आपको चैलेंज एक्सेप्ट करें, जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और आप प्रॉफिटेबल जरूर। नाउ नेक्स्ट, ये आप अगर आपको लगता है ये वीडियोस लाइक है आपके लिए वैल्यूबल्स हैं, आप जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बट दबाएं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो बहुत देखते हो, अच्छा लगता है, ये लगना भी चाहिए। और दूसरा मैं आपसे ये बोलूँगा, सब्सक्राइब्स में आपका हो नहीं रहा तो मैं चाहूँगा जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम अच्छे से वर्क भी कर सकें। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो 21 जुलाई को आने वाला है, जिसमें आप लोग ज्वाइन करते हैं आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो और हमसे डायरेक्टली ऑफलाइन ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं और
आपको हमारा लाइव जो हमारे वीडियो लाइव हमारा ट्रेडिंग चलते हैं उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप पूरा देख रहे हो थैंक्स अ लॉट।